हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और ये ज्यादा कोई लंबी चौड़ी वीडियो मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। बात ये है कि बड़ा प्रिसाइज इसको रखना है। पहले मैं आपकी निगाह इस टूल पे ले आता हूँ। दिखा भाई, ये एक्स टूल, इसे आप अच्छी तरह पहचान रहे हैं। ये एक एक्स टूल पैड 4 एलीट है, पैड 4, ओके, की प्रोग्रामर पैड 4। और अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे पास ला, और इसे नेक्स्ट दबा, ये आपके सामने है कि ये जनाब फ्रेश पीस है बिल्कुल, ठीक है। ये एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है ये एक्टिवेट अब होगा भी नहीं, क्योंकि जो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उस संदर्भ में है कि जिसमें अर्पित बाबू ने जो वीडियो बनाई थी एक स्टूल के लिए, और ये बाकी जो इनके गुर्गे वुर्गे हैं वो बना रहे हैं। तो फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दो चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और आप क्लियर भी कर दें कि ये क्या है। अच्छी बात है आपने कहा कि एक स्टूल जो है बंद नहीं हो रहा है, गुड, अच्छी बात है भाई। वो बंद होने से हमारे को तो कोई ना, पर्सनली मुझे तो कोई फायदा है नहीं, और मेरे ख्याल से सभी को नुकसान ही होगा, फायदा तो इसी को होना नहीं। और आपकी जो वीडियो चैनल है, वो वीडियो चैनल आपने जो डिलीट कर दिया है उसे वापस ले आएंगे, वो वीडियो चैनल जो है आपका कथन ये है जनाब कि वो जो वीडियो चैनल है वो की टूल यूजर्स के लिए बंद किया गया है, उनकी सेफ्टी के लिए, सॉरी दोस्त, उनकी सेफ्टी के लिए नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए आपने बंद किया, तो झूठ बोलना बंद करो। ओके, नाउ माय पॉइंट इज कमिंग बैक टू द मेन चीज कि ये जो टूल है अगर आप देख रहे हैं, ये पैड 4 एलीट है, ये 140,000 का बिकता है मार्केट में, और ये जो अब है ये मिट्टी हो गया है, क्योंकि इमोबिलाइजर के टूल तो आप बेच नहीं रहे, ना इनके कोई अपडेट आएंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, और आपके यू नो सुसु पति से, कि जिन लोगों को आपने 3 महीने पहले टूल बेचा, लेट्स से जनवरी में बेचा, दिसंबर में बेचा, पिछले साल तो आपने बाढ़ लगा दी थी एक्सचेंज ऑफरों की, फलाना है ढंकाना है, की टूल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी डायग्नोस्टिक्स में नहीं आ रहा हूं, मैं की प्रोग्रामर्स की बात कर रहा हूं, जिसका कि आपने ये कहा है कि फर्दर अपडेट्स नहीं आएंगे। तो मेरा कहना ये है कि यार, जिसका जिस आदमी के फर्दर अपडेट ही नहीं आने, तो उसने बेचारे ने 3 महीने पहले, 6 महीने पहले वो टूल लिया क्यों? उसने तो इस उम्मीद से लिया था कि ये जनाब टूल मैं लूंगा, नए नए अपडेट आएंगे, अब तो कुछ आना नहीं। इससे अच्छा तो वो पुराना कोई, वो अपना टूल एक्सचेंज भी नहीं करता, या पुराना कोई ले लेता। अब ये वाला जो टूल है, ये अगर मैं एक्टिवेट भी कर दूंगा तो इसका क्या फायदा है? कुछ नहीं करना इसमें, क्योंकि इमोबिलाइजर ऐसा आप लोगों ने कहा इंडिया में बंद हो गया। अब बात ये है, आपने कहा जी ये लाइसेंस नहीं है और ये गवर्नमेंट की वो है, तो मेरा आपके यू नो आपसे क्लियर क्वेश्चन ये है कि ये क्या जो लॉ है जो की प्रोग्रामर्स बंद करने का, ये सिर्फ एक्स टूल के ऊपर पर्टेन करता है या बाकी जितने भी टूल है उनके ऊपर भी पर्टेन करता है? ये आप क्लैरिफाई नहीं कर रही हो माय फ्रेंड। आपने बोल दिया कि जी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये इमोबिलाइजर का काम इलीगल है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा हूं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये सारी चीज क्या है। और अगर ऐसी कोई चीज है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जनाब बाकी यू नो एक्स टूल का आपका बंद हो गया है, तो एक चिट्ठी गवर्नमेंट की दिखा दो ना यार, ऑफिशियल चिट्ठी क्यों नहीं दिखाते हो? और अगर उन्होंने कहा है कि इंडिया में इमोबिलाइजर इलीगल है, तो उसकी चिट्ठी दिखा दो। ये वीडियो चैनल बंद करके इधर भागना उधर भागना, ये करना वो करना, ये चैनल चालू हो जाएगा फलाना। और दूसरी एक और बात है अर्पित बाबू, कि आपका कहना ये है कि जो चाबियों का काम मैंने सिखाया YouTube पे,
वो आपका भला है, भले के लिए करा है, कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा होता है एक नुकसान होता है। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं अपनी अभी मतलब मैं अपनी ना अपने जीवन में दो नई गाड़ियां मेरी चोरी हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो मेरी ऑफिशियल कार थी LIC से जो मुझे आई और मैं जानता हूं, और एक हमारी टाटा सफारी थी जो मेरे वाइफ को मिली हुई थी ऑफिस से, वो दोनों ऑफिशियल गाड़ियां हमारी चोरी हुई हैं। और हम जानते हैं कि हमारे को पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी के नाक रगड़ते रगड़ते क्या हमारा हाल हो गया, कैसे कैसे वो क्लेम और कितने डेप्रिसिएशन हमारे को लगी हैं वो हम जानते हैं। तो ऐसा है, एक के घर में अगर भाई खुशी हो रही होती है ना, तो साथ में देखो कि उसी के साथ रिलेटेड किसी दूसरे के घर में मातम भी हो रहा होता है। तो हर चीज को, और बेहतर ये होता कि आपने की प्रोग्रामर बेचा है, चुपचाप रहो ना यार, क्यों हल्ला मचा रहे हो, इतना हल्ला मचा के चारों तरफ सबको यू नो आई डोंट नो करने का क्या है। फिर यू नो अब आपने कहा कि की कटिंग मशीन जो है हम प्रमोट करेंगे, किस लिए, कि भाई साहब ऐसा है की कटिंग मशीन में कोई जरूरी नहीं है प्रोग्रामर इस्तेमाल होगा, अच्छा जी बिल्कुल नहीं होगा। मोटरसाइकिल की चाबियां जो होती हैं उसमें की कटिंग मशीन वैसे ही काम आएगी, तो भाई मोटरसाइकिल की चाबी काटने के लिए कोई आदमी 2-2.5 लाख की मशीन क्यों लेगा यार, इतने ही क्या की मेकर के पैसे तो मतलब धन को उर्ली आ गई है क्या, इतना है पैसा उनको बरगद के पेड़ से टपक रहा है क्या, गिर रहा है क्या, आई डोंट नो। एक तो उनके टूल बंद हो गए, जिन लोगों ने 1.5-1.5 लाख के टूल लिए और ये सोच के लिया कि अगले 3 साल तक तो चलो मेरे अपडेट फ्री है मैं पैसा कमा लूंगा, तो उनकी तो कहानी हो गई खत्म। और ये चीज आप लेके आओ ना सामने पब्लिक के, कि ये जो दोबारा मैं रीट्रेट कर रहा हूँ कि ये जो आपका इमोबिलाईजर का जो गवर्नमेंट ने क्लियर करा है कि आप नहीं करोगे और आप कुछ नहीं करोगे, वो आप ही के एक टूल पे पटेन कर रहा है या बाकियों पे भी हो रहा है, तो ये प्लीज क्लियर करो। और अब आप बोल रहे हो कि हाँ जी डायग्नोस्टिक्स के जनाब अपडेट्स आया करेंगे, ऐसा है अर्पित बाबू आप तो अच्छी तरह इस टूल को जानते हो, मैं भी जानता हूं, सारे जानते हैं कि अगर एक्स टूल में की प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है तो एक्स टूल कूड़ा है, कूड़ा। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं और दोबारा प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि डायग्नोस्टिक्स में वो कूड़ा है, कहीं भी खड़ा नहीं होता यार। और ये चीज पहले भी मैं वीडियो में बना चुका हूं कि जब मैंने बोला था कि आपके सूफू महाराज जी को कि भाई वो थिंकार वो ढूंढ रहे थे, जब मेरी उनके साथ मेलबाजी हो रही थी कि वो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे थे, तो वो जो महामानव है पढ़े लिखे महामानव, उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो जी इसको बर्मिंघम के ऑटो शो में 2015-16 में देख लिया था, अब वो महामानव को कौन समझाए कि भाई वो कंपनी रजिस्टर 2018 के इंडिया 2019 में हुई है थिंक कार, तो आपने पहले ही देख लिया होगा, तो वही है महामानव है, पहले ही सपने में आ गया होगा इन्हें, खैर एनीवेज। तो अब जो आपका कहना यह है कि जी डायग्नोस्टिक्स जो है वो आता रहेगा, एक और भाई का आया था टूल का कि भाई ये क्या करें, ये पैड वन है ये बंद हो जाएगा तो इसमें क्या डायग्नोस्टिक्स का अपडेट आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, अच्छी बात है आ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि की मेकर्स जितने भी हैं अब उनके लिए आप एक नई फील्ड खोल दें कि वो डायग्नोस्टिशियन बन जाए, उनको आप ट्रेनिंग दें, आप लोग भाई आपने टूल बेचे हैं तो ये जिम्मेवारी भी तो आप ही की है कि वो जो है वो जो उनका नुकसान है वो किसी तरीके से भरपाई करें। अब वो तो वीडियो आपने गायब कर दी जिसमें आपके जो सूफू थे महामानव जी बोल रहे थे कि वापस ले आना और मैं पैसे दे दूंगा, तो वो तो अब आपने वो ट्रेल ही गायब कर दी है, और जिसको लेना है वो पैसे लेगा यार, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, वो जाने उनका काम जाने। अच्छा दूसरा जो अब एक पर्सनल लोड, पर्सनल क्या है, नथिंग पर्सनल अबाउट इट, आपका कहना यह है कि साहब ऐसा है कि मैं ट्रोलिंग करता हूं, नाम लेता हूं अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, राइट। अच्छा जी, तो एक ही साल पहले की तो बात है जब थिंक कार की STF टीम मेरी ट्रोलिंग कर रही थी,
तो फिर मैंने उस टाइम क्या किया, मतलब मेरे को ये लगा कि मेरी व्यूअरशिप घट गई है चैनल की और मैं अब मैं क्या करूं, कहां से गाली खाऊं। तो मैंने क्या करा, शहबाज भाई और अल्ताफ भाई को फोन किया होगा कि भाई तुम एक काम करो, फटाफट मेरी लंका पोतो, खूब मेरी ट्रोलिंग करो, मेरी हालत खराब कर दो ट्रोलिंग कर करके, और हम तू तू मैं के खेल में पड़ जाए। राइट, यही करा होगा। मैं तो अच्छी वाली तुम लोगों के लिए डायग्नोस्टिक वीडियो बना रहा था भाई, एक्सटूल के लिए, और तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल करे, जो टूल जो ये H6 प्रो वगैरह अच्छी तरह सब जानते हो आप, महामानव भी जानता है कि वो नहीं कर सकता था वो टूल। तो उसकी ट्रोलिंग का पूरा सब्जेक्ट मैं, वो उसका मैं रहा, और नाम लेके ट्रोलिंग हुई, मैंने भी उनका नाम लिया, उन्होंने भी मेरा नाम लिया, और आज तक मैंने जितने भी वीडियो लिए हैं मैं करे हैं उसमें मैं नाम लेके ही बोलता हूँ, भाई आपके पास भी खुली छूट है, बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सच बोला है तो मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना मैं चैनल डिलीट करके भागने वाला हूं, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी एक और बात है, तब आप लोगों के, जब मैं एक्सटूल में आप लोगों के साथ था, तब आप लोगों के सबके मुंह में दही जम गया था, महामानव के भी मुंह में दही जमा हुआ था, तुम्हारे भी मुंह में दही जमा हुआ था, वो रावत छावत मुन्ना खुन्ना, तब तुम्हारी सबकी जबान पे एसिड पड़ गया था, तब तो एक बार भी मुंह से नहीं फूटे कि यार ये हमें दहूजा हमारे लिए कर रहा है, इसको क्यों तुम गाली दे रहे हो, तब तो अपने मुंह से नहीं फूटे ना तुम लोग। तब तो तुमने कहा, महामानव जी मेरे को बोलते हैं, वो बात हुई, मैंने कहा जी ये क्या हो रहा है, तो महामानव जो है आपके वो बोलते हैं कि ओ अमित जी ये तुम बहुत लकी हो, ये जो आदमी बहुत लकी होता है उसी को गालियां पड़ती हैं। तो भाई ये सारा लक आप भी लो, थोड़ा लक अपने पास रखो ना, ये जो मैंने टोकरे भर भर के खाई हैं, कुछ आप भी खाओ ना, तब तो गायब हो गए, तब तो आप लोगों को मुंह में सबके एसिड पड़ गया था, दही जम गया था, क्योंकि अगर आप एक वीडियो बनाते तो तुम्हारा भी मंजन वो करते, तो आप लोग फाइट हो गए, सारा झेला मैंने। अब आज की डेट में सीधी सी बात है, मैं तो उसी क्लियर आदमी हूं, आज मैं थिंकर के साथ हूं तो तब तक हूं जब तक शहबाज भाई और अल्ताफ भाई मेरे को ऐसा तुम्हारे जैसे लोगों के तरह का वो मेरे को बाहर ही नहीं करते, जो कि ट्रीटमेंट तुम लोगों ने किया है। पिछली बार भी मैंने कहा था एक उंगली दूसरे के ऊपर डालने से पहले देख लेना तीन अपने ऊपर है, मुझे ट्रोलिंग की जरूरत नहीं है भाई, मुझे व्यूअरशिप की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो साफ बोलता हूँ, जिसको कुछ सीखने को नहीं मिलता वो मेरे चैनल पे ना सब्सक्राइब करे यार, और ना करो, मत देखो, कोई मैं चिट्ठी पत्थर थोड़ी ना लिख के भेज रहा हूं कि देखो, जो मुद्दे है मुद्दों की बात करो, भटकाने की बात मत करो। तो आई थिंक ये जो वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं कि आपके सामने है, मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है, हम तो जो भी है टूल ये बर्बाद हुआ है ऐसे कही है। बाकी की मेकर्स का क्या, रियली तुम लोगों ने जो अपने जो ये तुच्छे लालचों के लिए जो बर्बादी करी है की मेकर्स की, आई डोंट नो, वो तुम्हारी ट्रोल आर्मी और वो तुम्हारे जितने भी वो फेक आईडी वाले हैं वो रख के आज मुझे फिर से गालियां देना, कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें तुम लोगों को मेहनत लगेगी यार, वो तुम्हारी ट्रोल आर्मी को मैसेज लिखोगे डालोगे, अपने अंदर की भड़ास निकालोगे, हम भी पढ़ेंगे, थोड़े मजे आएंगे, फिर डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे, तुम्हारे को दफा कर देंगे, झाड़ू जैसे लगता है लगा देंगे। तो टिल वी मीट अप इन अ न्यू वीडियो, और जितने भी बाकी जो X2 यूजर्स है, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई इनसे पूछो, या अगर पैसा वाकई बरगद के पेड़ में और धन को उर्ली आई है तो आपकी मर्जी। सो टिल वी मीट अप इन अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय।